दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपका समरसेबल काम नहीं कर रहा है, देखेंगे हम कि हमने बटन दबाया तो इंडिकेटर तो जल रहा है लेकिन समरसेबल नहीं चल रहा, वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज भी हमारे पूरे आ रहे हैं लेकिन समरसेबल काम नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमें चेक करना है। या तो आपके पास चेक करने के लिए मल्टीमीटर होना चाहिए, अगर आपके पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है तब आप 100 वाट के बल्ब से भी अपना समरसेबल को चेक कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पैनल को हम ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम अपना पैनल खोलेंगे, सबसे पहले हमें अपने कैपेसिटर को चेक करना है। फिजिकली पहले कैपेसिटर को ऊपर से देखेंगे कि हमारा कैपेसिटर कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। अगर हमारा कैपेसिटर ऊपर से देखने में सही दिख रहा है तो जो इसके ये टर्मिनल हैं यहाँ से इसको हम खोल लेंगे और इसको एक 220 के सप्लाई में चेक करके देखेंगे एक बोर्ड में। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं बोर्ड में कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को लगाऊंगा। ऐसे हम एक सेकंड के लिए टच करेंगे अपना 220 की सप्लाई में, एक दूसरे तार को एक दूसरे में भिड़ाएंगे तो स्पार्किंग होगी, आवाज़ आएगी तेज़ी से, मतलब कैपेसिटर हमारा सही है। कैपेसिटर हमारा चेक हो गया सही है। अब हम अपना वाइंडिंग चेक करेंगे एक बल्ब की सहायता से सीरीज में कि हमारा मोटर सही है या जल गया है। तो जो मेरा बल्ब का एक तार है इसको मैंने फेस पे लगा लिया है और बल्ब का दूसरा तार मैंने मोटर का जो कॉमन वायर है उसमें लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि न्यूट्रल वायर को उठा के, ये कलर मेरा रेड है लेकिन इसमें न्यूट्रल आ रहा है। जो मोटर का आर और बाई दो पॉइंट है, इन किसी पर बारी बारी से टच करूँगा तो बल्ब मेरा जलना चाहिए अगर मोटर सही है तो। आर पे मैंने जैसे ही टच किया मेरा बल्ब जलने लगा, मतलब कि मेरा आर जो एक रनिंग वाइंडिंग है वो ओके है। दोबारा से मैंने बाई पे टच किया तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ख़राब हो सकता है क्योंकि हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। आर पर तो जल रहा है लेकिन बाई पे नहीं जल रहा है। यहाँ मैं आपको अब मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक करके दिखा देता हूँ कि मल्टीमीटर से आप कैसे चेक करोगे वाइंडिंग को। सबसे पहले दोस्तों हम अपने मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे और इसकी दोनों प्रोब को एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए। देख पा रहे हैं आप, बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। अब ये हमारे समरसेबल के तीन वायर हैं, इनमें से एक कॉमन रहता है कोई सा भी और एक रनिंग एक स्टार्टिंग। किसी भी दो तार पे हम टच करेंगे, चाहे इन दो पर कर लो चाहे इन दो पर कर लो। तो हम रेड पर और दूसरा ब्लू पर टच करते हैं, आप देखेंगे कि 7 ओम या 8 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब हम एक वायर को रेड पर रखेंगे, एक को येलो पर रखेंगे और देखेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, ना ही बीप का साउंड आ रहा है। ब्लू और हमारा येलो के बीच में कोई रेजिस्टेंस वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा एक वाइंडिंग ख़राब है। आपको फिर से दिखाता हूँ ब्लू और रेड के साथ, तो आप देखेंगे कि 7 या 8 ओम रेजिस्टेंस वो कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि बीप का साउंड ही आए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा एक वाइंडिंग ख़राब है। ये मेरा समरसेबल का स्टार्टर लगा हुआ है और स्टार्टर से ही हमने एक सीमेंट के अंदर वायर डाल दिया था पाइप के जरिए और यहाँ हमारा समरसेबल लगा हुआ है। जिस टाइम हमने लगाया था समरसेबल को तब लॉक कर दिया था, अब इसको तोड़ करके निकालते हैं बाहर। दोस्तों हमारे सारे पत्थर हट गए हैं जो इसके ऊपर रखे हुए थे। अब जो इसमें यूनियन लगा हुआ है इसको हम खोल करके अलग कर देंगे, जिससे कि हमारा समरसेबल और जो पानी का फिटिंग है ये अलग हो जाएगा। हमेशा आपको यूनियन लगाकर ही समरसेबल को बंद करना चाहिए, जिससे कि जब भी इसको खोलने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको खोल पाओ। इसका रस्सी खोल देते हैं और समरसेबल को आपको निकाल के दिखाते हैं। ये है मेरा छोटा भाई जो अभी इसको निकाल रहा है। अभी इसके हाथ में जो रस्सी है इससे समर बंधी हुई है हमारी, और अभी हम दोनों भाई मिलकर के इसको ऊपर निकाल लेंगे। मैं रस्सी को पकड़ता हूँ और भाई इसको आराम से निकालेगा। देख पा रहे हैं आप, ये रस्सी एक सपोर्ट के लिए है। चप्पल टूटी रह रही है। गांव में ऐसा ही होता है भाई साहब, चप्पल टूटी हो या सीधी काम होना चाहिए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमारा काम बनना चाहिए। चप्पल टूटी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों जो हमारा ये कैप लगा हुआ है ये यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, इसका जो नट बोल्ट है इनमें जंग लग गया है, तो इसको मैं ग्राइंडर से काट के अलग कर देता हूँ। जो दोस्तों हमारा कैप था उसको काट के हमने अलग निकाल दिया है। अब जॉइंट से नीचे हम एक फ्लंच लगाएंगे और अपना पाइप को खोलना पड़ेगा। यहाँ हमने फ्लेंच को कस दिया है, अब मैं अपना एंटी क्लॉकवाइज पाइप को घुमाऊंगा तब ये मेरा पाइप खुलेगा। तो मैं इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ। अगर हार्ड है तो दो लोगों की सहायता से आप इसको खोल सकते हैं। मैंने पाइप को खोल लिया है,
अब इस प्लंज को खोल के नीचे खिसका दूंगा और दूसरा पाइप निकालूंगा। ऐसे ही बारी बारी से मैं जितने भी सेक्शन हमने डाल के रखे हैं सारे सेक्शन को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अपना मोटर बाहर निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा मोटर हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो मोटर के पास वाला जॉइंट होता है वहाँ से काट के हमने इसको अलग कर लिया। अब इसको रिपेयर करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम रिपेयर करें। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे समरसेबल से पंप और मोटर दोनों को अलग करते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको ये बात भी समझा देता हूँ और इसमें हम फाइंड आउट ये करेंगे कि हमारा वायरिंग कट गया है या फिर हमारा प्रॉपरली मोटर जल गया है। तो आप देखिए कैसे इसे ओपन करते हैं। जो हमारे मोटर और पंप को जोड़ने के लिए बीच में नट बोल्ट लगे रहते हैं इनको प्रॉपर तरीके से मैंने खोल के अलग कर लिया है और आप देखेंगे कि मेरा मोटर मेरा पंप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं हिला रहा हूँ इसको। अभी एक पेचकस की सहायता से मैं इसको प्रॉपर तरीके से अलग निकाल दूंगा। आप देख पाएंगे कि मेरा जो मोटर है वो अलग हो गया है और मेरा पंप है वो अलग हो गया है। दोस्तों ये मेरा समरसेबल पूरे 5 साल बाद ख़राब हुआ है तो हल्का सा मुझे हथौड़े से चोट मारना पड़ेगा क्योंकि ये इतना जल्दी नहीं खुलेगा। तो हथौड़े से हल्का सा इसको लूज कर लेता हूँ उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से खोल पाऊँगा। दोस्तों जब भी आप अपना समरसेबल घर पे खोलेंगे तो बड़ा ही सावधानी से खोलना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल रहता है तो आपका ऑयल ना फैल पाए। इस ऑयल को किसी बर्तन में हम बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारा समरसेबल के अंदर ऑयल डालते हैं ये लगभग 800 ml 900 ml तक ऑयल पड़ता है इसके अंदर और ये हमारी वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। दोस्तों समरसेबल मोटर के ऊपर 3 स्क्रू होते हैं एलन की वाले और 3 ही स्क्रू होते हैं इसके बेस वाली साइड पर। तो दोनों तरफ से हम स्क्रू खोल के अलग रख देते हैं और ये आप जो रबर वाला ब्लैक सीट देख रहे हैं ये इसके बेस में लगता है ऑयल को रोकने के लिए कि ऑयल बाहर ना निकले। दोस्तों हमारे दोनों तरफ से एलन की स्क्रू खोल लिए हमने। अब मोटर का हम रोटर को बाहर निकालते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि रोटर हमारा बाहर निकल आया है और स्टेटर को आप देख सकते हैं कि ये हमें कहीं से भी जला नहीं दिख रहा है। तो जो हमारा रोटर है इसको भी हम रोटेट करके देख लेंगे कि इसका वायरिंग तो नहीं ख़राब है। अगर वायरिंग ख़राब होगा तो वो भी हमें चेंज करना होता है। हमारा मोटर तो खुल गया है लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जला हुआ नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जब भी आपका मोटर ख़राब होता है जब भी आप लेकर के जाते हैं इसको सही कराने के लिए तो अपनी आँखों के सामने ही खुलवाना चाहिए। कभी कभी हमारा वायरिंग में दिक्कत हो जाती है हमारा मोटर जली हुई नहीं होती तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। ओह माय गॉड दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक येलो कलर वाला वायर कट गया है और यही वजह थी कि इतना कुछ हो गया। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई वायर बीच में से कटा हुआ मिलता है आपको कभी जॉइंट नहीं लगाना, आपको प्रॉपर तरीके से जोड़ना है वायर जो आपका वाइंडिंग रहती है उसके पॉइंट से। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम दूसरा वायर जॉइंट कर लेंगे और सोल्डरिंग आयरन से। यहाँ हमारे पास सोल्डरिंग आयरन अवेलेबल नहीं था। जो हमारा पहले वाला थिम्बल जो वायर कट गया था उसको हम मोमबत्ती की सहायता से गर्म कर रहे हैं और इसके अंदर अब हम सोल्डरिंग वायर को फंसा करके गर्म करेंगे जिससे कि हमारा सोल्डरिंग वायर इसमें पिघल जाएगा और जो हमने नया वाला पीला वाला तार लगाया है इसके अंदर इसको फंसा देंगे जिससे कि हमारा थिम्बल प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएगा। तो हमारा मोटर रेडी हो गया है, अब इसको हम सेट कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से हमने कर लिया है। मोटर के अंदर हम ऑयल भर रहे हैं। जो पुराना वाला ऑयल निकला था वो हल्का सा ब्लैक हो गया है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 5 साल ऑलरेडी हमारा मोटर चल चुका है। हमने मोटर को अपना क्लोज कर लिया है, बंद कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब इसके वाइंडिंग का एक बार फिर से आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 ओम रजिस्टेंस शो कर रहा है और ब्लू और रेड वायर के बीच में जब रजिस्टेंस को देखूँगा तो यहाँ पर 6 ओम रजिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब कम जो रजिस्टेंस रहता है वो रनिंग और कॉमन के बीच में रहता है। येलो और मैं रेड को देख रहा हूँ तो यहाँ 16 ओम रजिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब कि जो सबसे कम रजिस्टेंस होता है वो हमारा रनिंग और कॉमन के बीच में होता है। उससे ज़्यादा रजिस्टेंस कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में, सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस रहता है हमारा जो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में। तो हमारा रेड और येलो को हमारा स्टार्टिंग और रनिंग है और जो हमारा ब्लू वायर है ये कॉमन है। अब प्रॉपर तरीके से हम कनेक्शन कर लेते हैं। कच्चा टेप लगा करके बहुत अच्छे से यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ। ऐसे करके अगर आप कनेक्शन करेंगे तो ये कनेक्शन आपका लूज नहीं होगा और हीट भी नहीं करेगा जहाँ। दोस्तों कनेक्शन हो गए, कच्चा टेप लगा करके अपना समर सेबल को अपने गड्ढे में डाल देते हैं प्रॉपर तरीके से
और अब आपको चला करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूँगा, स्टार्टिंग करंट थोड़ा हाई था, अभी 4 एम्पियर है, वोल्टेज मेरा 240 है और मेरा प्रॉपर तरीके से समरसेबल काम कर रहा है। ये मेरा कुंडी है जिसमें भैंसों को नहलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए पानी भरा जाता है, जो प्रॉपर तरीके से भरा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना।